आई एम राकेश कुमार सिन्हा, असिस्टेंट टीचर ऑफ शांति निकेतन जुबली स्कूल। इट इज माई 8th लेक्चर इन क्लास 2 फ्रॉम इंग्लिश वर्कबुक चैप्टर 2। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश वर्कबुक चैप्टर 2, पेज नंबर अंडर माई बेड, पेज नंबर 14 and 15। क्वेश्चन नंबर बी, सर्किल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, अब इन सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को हमें अंडरलाइन करेंगे और कॉमन नाउन को सर्किल करेंगे। प्रॉपर नाउन जो जानते हैं, बताया जा चुके हैं, इसके पहले किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के किसी खास नाम को जब बोध करावे तो किसी खास व्यक्ति की बोध करावे तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और जब कॉमन नेम बोध करावे तो वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे टीना वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट व्हेन सी ग्रो अप। टीना जो है वह चाहती है बनना साइंटिस्ट जब वह बड़ी हुई। यहाँ पे टीना वर्ड जो है वह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को कह रहा है अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन कर देंगे। एंड साइंटिस्ट इसमें एक नाउन है, वह कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे इसको हम सर्किल कर देंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी वेडनेसडे कॉमा आवर टीचर टेक्स अस टू दी प्ले ग्राउंड टू प्ले। यहाँ वेडनेसडे जो है किसी खास दिन को बताया जा रहा है डेज में, तो ये प्रॉपर नाउन हुए, इस प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करेंगे सेंटेंस में। ये टीचर जो है वह कॉमन नाउन है इस सेंटेंस में, इस कॉमन नाउन को कह रहा है सर्किल करने के लिए, तो टीचर को कॉमन नाउन है सर्किल कर देंगे। और प्ले ग्राउंड भी जो है वह कॉमन नाउन है, इसको भी हम सर्किल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सोना वेंट टू द मार्केट विथ हर मदर। इसमें सोना जो है वह प्रॉपर नाउन है, इसे अंडरलाइन करेंगे। वेंट टू द मार्केट, मार्केट वर्ड जो है वह कॉमन नाउन है, इसे हम सर्किल करेंगे। और मदर भी जो है वह कॉमन नाउन है, इसको भी हम सर्किल करेंगे। माय ग्रैंड फादर एंड आई वेंट टू सी द ताजमहल यस्टरडे। मेरे ग्रैंड फादर और मैं जो है गए देखने ताजमहल, गए थे देखने ताजमहल कल। तो यहाँ यस्टरडे मतलब बीते हुए कल, पास्ट में है। तो ग्रैंड फादर जो है वह कॉमन नाउन है, इसको हम सर्किल करेंगे। और ताजमहल जो है प्रॉपर नाउन है, इसे अंडरलाइन करेंगे। 5 में, राज लव्स टू रीड ए स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। यहाँ राज वर्ड जो है वह प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पे पंचतंत्र जो है वह प्रॉपर नाउन है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चूज ए ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग फुल स्टॉप कॉमन कॉमा एंड कैपिटल लेटर वेयर इज नेसेसरी एंड राइट द सेंटेंसेस। इसमें बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि यहाँ पे वर्ड बॉक्स दिए गए हैं, इस वर्ड बॉक्स से वर्ड को लेकर सेंटेंस अधूरे हैं उसको कंप्लीट कर देना है। और वह ये ध्यान रखकर कि कहाँ कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे, कहाँ स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे और कहाँ फुल स्टॉप देंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है इसमें माई फादर लिव्स, माई फ्रेंड लिव्स इन आगरा। यहाँ आगरा वर्ड जो है ले लेंगे, इन आगरा तुम्हारे बॉक्स में है, वर्ड बॉक्स में, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे माई फ्रेंड लिव्स इन आगरा। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन आगरा है, इसलिए ये आगरा को ए कैपिटल लिखेंगे और फर्स्ट लेटर उसमें स्मॉल से लिखे गए हैं तो कैपिटल से लिखेंगे माई, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। सेकेंड नंबर में माई मदर
अबाउट मी ए बैग ए कॉमा ए पेयर ऑफ शूज कॉमा एंड ए शर्ट ऑन माई बर्थडे। यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड नंबर में माई मदर अबाउट मी लिखा हुआ है, यहाँ तक अबाउट मी। यहाँ पे इसको भरेंगे बॉक्स से लेकर, ए बैग कॉमा ए पेयर ऑफ शूज एंड ए शर्ट ऑन माई बर्थडे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिए गए हैं, लिखा हुआ है इस तरह, अन्ना ए एन एन ए प्लेज पी एल ए वाई एस विथ, ये क्वेश्चन है। अब इसे जो हम बनाएंगे डैश डैश दिए हुए हैं, हम इसे बनाएंगे तो लिखेंगे कैपिटल फर्स्ट लेटर करेंगे, नेम है तो ए डबल एन ए प्ले विथ, अब उसके बाद प्ले विथ हर डॉग एवरी डे, ये बॉक्स से वर्ड लेंगे विथ हर डॉग एवरी डे और फुल स्टॉप देंगे। यहाँ अननोन वर्ड यहाँ कैपिटल से लिखेंगे, प्ले मतलब खेलता है, विथ हर डॉग अपने कुत्तों के साथ, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। फोर्थ नंबर में हमें बनाना है, लिखा है रिमेंबर टू क्लोज द टैप, यहाँ रिमेंबर के स्पेलिंग आर जो है कैपिटल से लिखेंगे, वहाँ स्मॉल से लिखा हुआ है आर ई एम आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेंबर टू क्लोज सी एल ओ एस ई क्लोज द टी ए पी, नल को बंद करना, द टैप वाइल, हम यहाँ बॉक्स से ये वर्ड को लेंगे वाइल ब्रशिंग योर टीथ, ब्रशिंग योर टीथ फुल स्टॉप। और फाइव नंबर में है सी इज ऑलवेज, सी कैपिटल एस करेंगे, पहले उसमें स्मॉल दिया गया क्वेश्चन में, सी इज ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज टेक फॉर लेट फॉर स्कूल, एल ए टी ई लेट फॉर स्कूल फुल स्टॉप। या लेट फॉर स्कूल तुम्हारे बॉक्स से वर्ड लिए गए, यह अधूरा सेंटेंस था, सी इज ऑलवेज यहाँ फुल स्टॉप देंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर के वर्ड के फर्स्ट कैपिटल बनाना है, और जहाँ नेसेसरी हो वहाँ कॉमा देना है जरूरी हो, और फुल स्टॉप लास्ट में देना है, और वर्ड से बॉक्स को लेकर कंप्लीट करना है सेंटेंस। यहाँ पे फाइव नंबर में सी इज ऑलवेज डैश बॉक्स से लेंगे लेट फॉर स्कूल, सी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद इसमें दिए गए हैं पंक्चुएशन, ऑल सेंटेंसेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल सी इज गुड स्टूडेंट, सभी सेंटेंस जो है वह कैपिटल लेटर से ऑल स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, जैसे सी के एस जो है वह कैपिटल होंगे। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल वी विजिटेड द रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ प्रॉपर नाउन इंडिपेंडेंस डे है तो वाई कैपिटल होंगे, रेड फोर्ट यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन है तो आर जो है कैपिटल होंगे। ए सेंटेंस दैट टेल द समथिंग एंड्स विथ फुल स्टॉप, कोई भी सेंटेंस जो अंत में जो है उसको फुल स्टॉप देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल टुमारो इट इज, टुमारो इज ए होली डे, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, टी फर्स्ट लेटर कैपिटल। ए कॉमा इज यूज टू सेपरेट वर्ड इन लिस्ट। एग्जाम्पल कॉमा हम कहाँ देते हैं, वर्ड को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग शब्दों को करने के लिए हम बीच में उसे कॉमा देते हैं। आई बाउट ए स्टोरी बुक कॉमा ए पेन कॉमा ए ड्रॉइंग बुक कॉमा एंड द रूलर रूलर फॉर माई सिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है यहाँ पे, कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, अपने से बढ़ना है इसमें, जैसे फीलिंग आई फील हैप्पी व्हेन आई फील सैड व्हेन आई फील एंग्री व्हेन आई फील माइस व्हेन आई फील लोनली व्हेन। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आगे मैं बताऊँ।